आज अपन चर्चा करते हैं एक घर में इन्वर्टर की वायरिंग आपको करनी है तो वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, कितने पॉइंट आपको देने हैं इन्वर्टर पे, कितना भार देना है और कनेक्शन किस प्रकार से होंगे ये अपन देखते हैं। पहले एक बार थ्योरेटिकली देख लें कि हमारे घर के अंदर सपोज़ माना कि एक कोई मकान है इस प्रकार से, इसमें जो पुरानी जो वायरिंग कर रखी है हमें इन्वर्टर की लाइन इसके साथ ऐड करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे ये अपन देखते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कोई मकान है इसके अंदर ये मेन बोर्ड है आपका, यहाँ मेन बोर्ड से ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फेस के वायर सभी स्विच बोर्ड तक पहुँचा दिए गए हैं और न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल लिंक से होकर के सभी स्विच बोर्ड में और सभी पॉइंटों में चला गया है और सभी के हाफ वायर या स्विच बोर्ड में आ रहे हैं। अभी मैं वायरिंग इसलिए पूरी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइनों की संख्या हो जाएगी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो वायरिंग जो करके रखी गई है वो ये इस प्रकार से की हुई है और इसके बाद ये आपका मेन बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसके ठीक पास में या आपकी सुविधा जहाँ हो उस जगह आपको इन्वर्टर रखना है। कि माना कि हमने एक इन्वर्टर का बॉक्स यहाँ रखा गया है, ये इन्वर्टर का बॉक्स है, मान लो इन्वर्टर हमने यहाँ कहीं ऐसी जगह रखा है जो सुविधाजनक जगह हो वहाँ आपको इन्वर्टर रखना है। इन्वर्टर के जो स्थान है वहाँ एक आपका सॉकेट होना चाहिए और साथ में जो आउटपुट की जो लाइनें जा रही हैं जो कमरे के हर क्षेत्र में एक फेज़ वायर आप पहुँचा सकें इस हिसाब से आपको लोकेशन तय करनी है और उसकी जगह इन्वर्टर का बॉक्स आपको रखना है। तो पहला काम तो ये हो गया कि इन्वर्टर बॉक्स रखने की जगह आपको एक निश्चित करनी है और उसके बाद इन्वर्टर से जो आउटपुट एक फेज़ वायर जो इन्वर्टर के बैक साइड में इसके आउटपुट में एक सॉकेट होगा 3-पिन सॉकेट, उसमें आप एक बार इन्वर्टर को ऑन करके देख लीजिए। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद जो फेज़ वायर होगा 3-पिन टॉप लगा के जो फेज़ वायर निकलेगा, ये इन्वर्टर है और इन्वर्टर के ये आपका फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में ये पूरे जो इंडिकेशन दे के रखते हैं कि मेन ऑन होता है तो यहाँ पर एक इंडिकेशन आ जाता है मेन ऑन, यूपीएस ऑन और इसमें बैटरी की चार्जिंग की कंडीशन है तो वहाँ भी एक इंडिकेशन आता रहता है। तो ये आपका इन्वर्टर का जो मेन फ्रंट पैनल है उसके ऊपर इस तरह का जो इंडिकेशन आता है और बैक साइड में आपको जो काम करना होता है वो बैक साइड में इसके लीड वायर जो होते हैं, अपन इसके इन्वर्टर के बैक साइड में देखें कि पीछे की तरफ जैसे ये दो लीड वायर होंगे, एक रेड और एक ब्लैक, रेड और ब्लैक जो हैं आपका ये इन्वर्टर पॉजिटिव, ये बैटरी के सिरे हैं, बैटरी में ये पॉजिटिव लीड वायर बैटरी से जोड़ना है, ये नेगेटिव से जोड़ना है। पोलैरिटी का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि बैटरी उल्टी नहीं लगे, अगर बैटरी अगर उल्टी जोड़ दें तो इसके अंदर लगे हुए फ्यूज़ उड़ जाते हैं और फ्यूज़ ब्रेक हो जाएंगे और आपको ये इन्वर्टर आउटपुट देगा ही नहीं। इसलिए पोलैरिटी देख करके ही आपको इसका जो बैटरी का पॉजिटिव हमेशा रेड कलर का होता है ये इंडिकेशन है और साथ में एक लीड वायर होती है जिसे लीड वायर को आपको RSB के साथ जोड़ना होता है, इसमें भी आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। इसमें पोलैरिटी जैसे रेड वायर है तो रेड आपको फेज में ही देना है, जो RSB की जो सप्लाई आती है उसका फेज वायर रेड से जोड़ना है, न्यूट्रल के स्थान पे ही जुड़ना चाहिए और ये अर्थ तार है तो इसमें टॉप लगा करके और आपको मेन RSB की जो सप्लाई आ रही है उसके साथ आपको ये इन्वर्टर जोड़ना है और जो आउटपुट है आउटपुट में यहाँ पर जो पीछे की तरफ एक सॉकेट होगा ये आउटपुट का सॉकेट है, इस आउटपुट में आप पहले से ही इसमें बैटरी लगा करके इसको टेस्ट कर लें कि फेज़ किस तरह आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है या इस पॉइंट पर आ रहा है, जहाँ से भी फेज़ आउटपुट मिल रहा हो वहाँ पर टॉप लगा करके और फेज़ वायर का एक तार निकाल करके स्विच बोर्ड तक ले जाना है, जैसा कि आपको स्विच बोर्ड में पहले दिखाया गया था। और जो इन्वर्टर का जो फेज तार है वो इन दोनों में से जहाँ पर भी आ रहा हो वहाँ से एक तार ही आपको ले जाना है सारे स्विच बोर्ड तक, फेज़ वायर निकलेगा उस फेज़ वायर को उस स्विच बोर्ड तक पहुंचाना है जहां आपको इन्वर्टर की लाइन देनी है, अर्थात इन्वर्टर के पीछे इन्वर्टर के आउटपुट उसके इन्वर्टर का फ्रंट और बैक आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकली किस टाइप का होता है। इन्वर्टर के बैक साइड में जहां आपका जो सॉकेट लगा हुआ है वहां आउटपुट में टेस्टर से एक बार चेक कर लें
कि जहां आपका फेज आ रहा है वहां से वो फेज वायर प्रत्येक स्विच बोर्ड तक आपको पहुंचाना है। पहले तो ये इंटरनल वायरिंग आपको करनी है, तो एक फेज वायर जैसे यहां से निकला है वो आपको पहला एक स्विच बोर्ड तक पहुंचा दिया, यहीं से लूपिंग करके इसी फेज वायर को जहां आपकी लाइन जा रही है उस रास्ते से होकर के अगले स्विच बोर्ड तक जहां आपका दूसरा स्विच बोर्ड है वहां तक आपको ले जाना है, जहां आपको वायरिंग दे रखी है वहां तक लाके छोड़ देना है, और यहीं से लूपिंग होकर के अगले स्विच बोर्ड तक, यहीं से लूपिंग होकर के अगले स्विच बोर्ड तक यहां आपको फेज़ वायर ऐसे पहुंचाना है। पहला काम तो हर स्विच बोर्ड में एक फेज़ वायर इन्वर्टर का पहुंचाना है। उसके लिए आपको अलग कलर कोड का वायर चाहिए, जो पुरानी जो वायरिंग में जो कलर है उससे हट करके अलग कलर कोड का आपको वायर रखना है, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इन्वर्टर का फेज वायर है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी से स्टेप अप करके डीसी से एसी बनाता है। जैसे डीसी से एसी बनाता है उसे हम इन्वर्टर कहते हैं, जो एसी से डीसी बनाता है उसे हम कन्वर्टर कहते हैं। एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसे कन्वर्टर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो इन्वर्टर। तो घरों में हमें बैटरी है जो स्टोरेज रखा हुआ है, स्टोरेज एनर्जी है, उसको हम डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इन्वर्टर हो गया। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, और डिटेल जो इन्वर्टर के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे। तो पहले मोटे तौर पर इन्वर्टर की वायरिंग करना, आज का उद्देश्य इन्वर्टर की वायरिंग करना है। तो इन्वर्टर हमने घर में रखा है, रखने की जगह आपने निश्चित कर ली कि हमें इस जगह आपको इन्वर्टर रखना है, तो हमने एक निश्चित जगह करके इन्वर्टर रख दिया। वहाँ से इसका आउटपुट जो फेज वायर, आउटपुट का एक फेज वायर जो हर स्विच बोर्ड तक आपको पहुँचाना है, सिंगल वायर जो अलग कलर कोड का होना चाहिए, अलग कलर कोड का लेकर के आप सभी स्विच बोर्ड में पहुंचा देने। उसके बाद इन्वर्टर का जो बॉक्स होगा उसमें लीड वायर जो होगा, इसका एक लीड वायर निकला होगा, एक लीड वायर होगा जिसमें 3 पिन टॉप लगा के आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है, और फेज वायर के साथ ही फेज कनेक्ट होना चाहिए, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल और अर्थ। इस प्रकार से इन्वर्टर का जो इनपुट सप्लाई है, इन्वर्टर की इनपुट सप्लाई इन्वर्टर के साथ जो केबल लगी हुई है उसके साथ जोड़ना है। इसके अलावा इन्वर्टर से 2 मोटे लीड वायर बैटरी के लिए होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ बैटरी के साथ जोड़ने हैं। इन्वर्टर के साथ टोटल जो लीड वायर होंगे, एक तो पावर केबल होगी उसकी इन्वर्टर की, दूसरा बैटरी के लिए 2 लीड वायर, वो भी कलर कोड रेड कलर हमेशा प्लस में और ब्लैक माइनस, इस प्रकार बैटरी को जोड़ना है प्लस और माइनस। खास तौर से इन्वर्टर के बैक साइड में जो आपको काम करना है कि इन्वर्टर की जो बैक साइड में ये जो सॉकेट इस टाइप का 5/15 एम्पियर का एक सॉकेट होगा, हर इन्वर्टर के पीछे एक सॉकेट होता है और इसके एक आउटपुट लेने के लिए होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ करके इसका फेज वायर कहाँ आ रहा है, अगर लेफ्ट में राइट में है, राइट साइड में हमेशा मैक्सिमम यही होता है कि इस साइड में ही आपका फेज वायर होता है, तो यहीं से एक टॉप 3 पिन टॉप लेके ताकि वो गलत नहीं जुड़े, तो यहाँ से आउटपुट फेज ले करके एक बोर्ड 2 बोर्ड जहाँ भी आपको पहुँचाना है, जिस रूमों में आपको फेज पहुँचाना है इन्वर्टर का, उसका फेज पहुँचाया जाता है। इसके पीछे एक फ्यूज दिया होता है, अगर किसी गलती से किसी कारणवश आपको ये पोलैरिटी उल्टी हो जाए तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है, या फिर आरएसबी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेन सप्लाई जो है आपकी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है, तो आपको फ्यूज़ चेक करके आप इसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इन्वर्टर में पीछे की तरफ से एक ये स्विच होता है, जोड़ना है प्लस और माइनस, पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना है। इन्वर्टर की जब भी वायरिंग करें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डीसी की जो पोलैरिटी है बैटरी के साथ जो जैसे ही अपन जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस ये तो जोड़ना ही है, अगर उल्टा जुड़ गया तो अंदर से फ्यूज़ ख़त्म हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इन्वर्टर को चालू करके आप उसकी आउटपुट देखें, आउटपुट में जहां आपको फेज़ आ रहा है उस फेज़ को ही आपको सभी स्विच बोर्ड में रन कराना है। वहां पहुंचने के बाद
जैसे आपने ये स्विच बोर्ड तक आपने इन्वर्टर का फेज पहुंचा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे इस कमरे के अंदर 1, 2, 3, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का स्विच बोर्ड है, उसमें से 2 पॉइंट को इन्वर्टर से जोड़ना है और 2 को नहीं जोड़ना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे। अब यहाँ स्विच बोर्ड की तरफ ध्यान देना है, आपका स्विच बोर्ड में जैसे 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट के 4 स्विच लगे हुए हैं, उन स्विचों में कॉमन फेस कर रखा है, उस फेस को यहाँ से हटाना है। जिन 2 को आपको पावर सप्लाई इन्वर्टर से देनी है उनको जो कॉमन फेस दे रखा था उसको अलग कर देंगे, बाकी में रहने देंगे। इस बोर्ड के अंदर जो वायरों की संख्या होगी, जैसे 4 पॉइंट हैं तो 4 पॉइंट के हिसाब से 4 तो हाफ वायर होंगे, एक फेज तथा एक न्यूट्रल, और एक साथ में इन्वर्टर से केवल अपन फेज लेकर के आते हैं इस बोर्ड तक, तो वो अतिरिक्त एक फेज वायर होगा जो इन्वर्टर से आउटपुट में निकलेगा। जब इन्वर्टर की संख्या आपको इन्वर्टर का जो है ना, अभी बाद में बता देंगे आपको अलग से, इन्वर्टर जो अलग जगह पर रखा हुआ है, और इन्वर्टर से एक फेज वायर हम लेकर के आते हैं जो इन्वर्टर का जो आउटपुट है, वो इन्वर्टर का जो आउटपुट यहाँ पर रखा गया कि इन्वर्टर से आने वाला एक फेज, और इन्वर्टर से तो केवल फेज ही लेते हैं, बाकी इस बोर्ड के अंदर जैसे ये हाफ वायर हैं, ये हाफ वायर 1, 2 और ये न्यूट्रल और ये मेन फेज और एक हाफ वायर हमारा यहाँ पर है, एक हाफ वायर इधर है, तो हम चाहते हैं कि 2 तो इन्वर्टर से हों और बाकी 2 जो है वो RCB से चलता रहे, बोर्ड से चलता रहे, हमें 2 को इन्वर्टर से नहीं करना है। जिनको इन्वर्टर से करना है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट है इन्वर्टर से जोड़ रखे हैं, इनमें ये कॉमन फेस कर दिया और उस कॉमन फेस को हमने ये इन्वर्टर का जो कॉमन आउटपुट आ रहा था, इन्वर्टर से आने वाला फेज हम जोड़ देते हैं दोनों स्विचों की इनकमिंग से, दोनों स्विचों की इनकमिंग से जोड़ दिया। अब स्विचों के जो आउटपुट हैं, ये 2 हाफ वायर हैं, ये इन्वर्टर से कनेक्ट हो गए हैं, और इस प्रकार मेन जो फेज आ रहा है, मेन फेज और साथ में ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हमें कुछ नहीं करना है, जो न्यूट्रल सीधा सॉकेट में जा रहा है, और मेन फेज बाकी के जो स्विचों में जो मेन फेज आ रहा है वो बाकी के स्विचों में दिया गया है। जैसे कि ये मेन फेज आया है, ये बाकी के स्विचों में दे देते हैं कॉमन टर्मिनल पे, जैसे एक 2-way स्विच है और ये 1-way है, तो इसमें भी ये मेन फेज आपका ये दे रखा है, ये मेन फेज यहाँ दे रखा है। अगर मान लो आपको इस स्विच को भी इन्वर्टर से जोड़ना है तो इस इन्वर्टर से फेज निकाल करके यहाँ पर अतिरिक्त दिया जाता है, या फिर उसमें से दोनों में से एक इन्वर्टर से करना है, एक RCB से करना है, तो यहाँ से एक फेज का वायर लेकर के और उस पॉइंट को दिया जाता है जिस पॉइंट को आपको इन्वर्टर से नहीं जोड़ना है, उसमें RCB से मेन फेज आ रहा है उसी को जोड़ा जाता है, और जिसको इन्वर्टर से करना है वो इन्वर्टर का फेज इस प्रकार जोड़ा जाता है। थोड़ा सर्किट डायग्राम भी अपन देख लेंगे, सर्किट डायग्राम ऑन पेपर पे कैसे होता है, और दूसरा इन्वर्टर अभी बाहर रखा गया है तो उसमें इन्वर्टर से आउटपुट किस प्रकार से निकलती है वो भी देख लेंगे। इन्वर्टर से आउटपुट केवल एक फेज वायर होता है जो हर एक स्विच बोर्ड तक आपको पहुंचाना होता है। जहां आपको इन्वर्टर का पॉइंट देना है उस स्थान पर जो कॉमन स्विच का कॉमन कर रखा होगा उस फेज को काट देंगे, और जिन स्विचों को इन्वर्टर से देना है, जो पॉइंट को इन्वर्टर से जोड़ना है, उसका फेज वायर की जगह इन्वर्टर का जो फेज आ रहा है उसको उस जगह दे देंगे, जो मेन लाइन से जो फेज आ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, उससे हट करके उसको काट के अलग करना है। बाकी के स्विचों में वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फेज आ रहा है वो जुड़ा हुआ रहेगा बाकी के पॉइंटों में, जिनके इन्वर्टर के साथ जोड़ना है उनके जो फेज वायर हैं वो आप ऐसे कॉमन करके 2 पॉइंट देने हैं, तो यहाँ हमने 2 पॉइंटों के साथ फेज कॉमन करके इन्वर्टर का फेज हमने इसके साथ जोड़ दिया है। ऐसे ही बाकी जितने भी आपके पास में स्विच बोर्ड है, जहाँ कहीं पर भी एक लाइट पॉइंट देना है या एक फैन पॉइंट देना है या कहीं 2 लाइटें देनी है या कोई सॉकेट देना है इन्वर्टर के साथ, तो उसका जो फेज वायर जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है उसको हटा करके उसकी जगह इन्वर्टर से आने वाला फेज है वो लगा देंगे। बाकी जो स्विच है वो नॉर्मल जिसपे RCB की सप्लाई, जैसे बोर्ड की सप्लाई आ रही, केवल फेज वायर हमने सब जगह रन करा दिया है,
और ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है कि जहाँ स्विच बोर्ड में दो या दो से अधिक पॉइंट हैं या चार पॉइंट हैं, उसमें एक पॉइंट आपको करना है, दूसरा पॉइंट नहीं करना है। जो नहीं करना है वो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो आ रहा है लाइन उसको रहने देवें, और जिसको इन्वर्टर्स के साथ करना है तो वो कॉमन फेस काट के इन्वर्टर का आउटपुट इसमें दे देना है। लेकिन पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना है, पोलैरिटी आपका फेज है तो फेज ही आपको सब जगह रन कराना है। पूरे भवन के अंदर ये देख लें अच्छी तरह कि आपके मकान में कहीं पोलैरिटी चेंज तो नहीं हो गई। अगर मान लो कहीं चेंज है तो उसको पहले सुधारें। सभी स्विच से कंट्रोल होना चाहिए, सभी स्विच बोर्ड में स्विच में फेज आना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। और फेज तार के साथ स्विच जो जुड़ा हुआ है, अगर आप इन्वर्टर से जोड़ना चाहते हैं तो उसको काट के इन्वर्टर वाला जो फेज है वो उसके साथ जोड़ देवें। तो ये अच्छी तरह समझ गया तो आपको इस प्रकार से इन्वर्टर की वायरिंग सब जगह पहले करने के बाद आपको इन्वर्टर को ऑन करना है। जब तक आपकी वायरिंग कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको इन्वर्टर जोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी से जैसे ही आप जोड़ेंगे, जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते ही इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर वो एक्टिव हो जाता है और उसमें ऑसिलेशन के द्वारा एसी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर लगा के रखते हैं तो उससे आपकी एसी जनरेट हो जाएगी और आउटपुट पर सप्लाई मिलती रहेगी। आप बाहर से आप मेन स्विच बंद कर दें तब भी इसका आउटपुट मिलता रहेगा। और केवल फेस तार ही अपन चलाते हैं, न्यूट्रल को आगे चलाने की आवश्यकता नहीं है। इन्वर्टर के आउटपुट में न्यूट्रल जो जुड़ा हुआ है वो मेन आरएसीबी, जो मेन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो न्यूट्रल आ रहा है उसके साथ इन्वर्टर में न्यूट्रल उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अर्थात इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो सीधा सब जगह फैल गया है, क्योंकि न्यूट्रल अपन कॉमन रखते हैं, सभी पॉइंटों में न्यूट्रल पहले दिया जाता है। जो कि इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो उसके साथ कनेक्ट हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई स्विच नहीं होता है, इसलिए सभी पॉइंटों में न्यूट्रल इन्वर्टर के आउटपुट से रिटर्न में पहुंच जाता है। केवल फेस तार है जो हमें नियंत्रण करना होता है। तो फेस तार जैसे ही निकलेगा हर एक स्विच बोर्ड में देना है, और जिन पॉइंट को इन्वर्टर से जोड़ना है उसके साथ आप फेस तार का कनेक्ट कर दें और